सब्सक्राइब कीजिए 029 चैनल को और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आज की स्मार्ट क्लास बेस्ड है हिस्ट्री के ऊपर और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी तरह के कम्पिटेटिव एग्ज़ाम और एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। अश्वपति ऑफ द उपनिषदिक इज वाज द रूलर ऑफ, मीन्स उपनिषदकालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? तो इसका आंसर है कैकेय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंटेम्पररी सेक्ट्स इज सेड टू हैव प्लेड अ रोल इन द ओवरथ्रो ऑफ द नंदा डायनेस्टी, मीन्स किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? तो इसका आंसर है जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द साउथर्न पार्ट ऑफ अशोकन एम्पायर, कौन अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? तो इसका आंसर है स्वर्णगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फॉर्म ऑफ एंशियंट इंडियन मैरिजेस वाज द पेमेंट ऑफ ब्राइड प्राइस अ कंडीशन, मीन्स प्राचीन भारतीय विवाह पद्धतियों में किस एक में वधु शुल्क देने का नियम था? तो इसका आंसर है असुर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पदरुपत्तु इज अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स इन प्रेज ऑफ, मीन्स पदरुपत्तु कहाँ के राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं का संग्रह था? तो इसका आंसर है चेर किंग्स, चेर के राजाओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कायारोहण सेड टू बी ड्वेलिंग प्लेस ऑफ लकुशा द फाउंडर ऑफ द लकुलिशा पशुपता कल्ट इज लोकेटेड इन, मीन्स कायारोहण जिसे लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का निवास स्थान माना जाता है कहां पर था? तो इसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गुप्त इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब चंद्रगुप्त सेकंड एज राजा धीराजर्षि, मीन्स किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधिराजर्षि के रूप में वर्णित है? तो इसका आंसर है उदयगिरि केव इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, में चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राह्मिहिर द सिक्स्थ सेंचुरी एस्ट्रोनॉमर बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द कंट्री, छठी सदी के खगोलज्ञ ब्राह्मिहिर देश के किस भाग से संबंधित थे? तो इसका आंसर है वेस्टर्न मालवा, पश्चिम मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंगकोर वाट The grandest monument in Cambodia was originally dedicated to, कंबोडिया का भव्यतम स्मारक अंगकोर वाट मूलतः किसे समर्पित था?
तो इसका आंसर है विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेड ऑफ द रॉयल इंटेलिजेंस सर्विस अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज कॉल्ड। अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? तो इसका आंसर है वरीद ए ममलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नायंकारा सिस्टम ऑफ द विजयनगर एम्पायर वाज मॉडल्ड ऑन द। विजयनगर साम्राज्य की नायंकार व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो इसका आंसर है इक्ता असाइनमेंट्स ऑफ द सल्तनत, सल्तनत कालीन इक्ता व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग ओपिनियंड दैट वुमन्स शुड बी कन्फाइंड टू द हाउस एंड वर्क ऑन स्पिनिंग व्हील। किसने यह राय व्यक्त की कि महिलाओं को घर की चार दीवारी में रहना चाहिए और चरखा कातना चाहिए? तो इसका आंसर है आमिर खुसरो एंड इसामी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ आर्किटेक्ट एंड कैलीग्राफर्स एसोसिएटेड विद द टॉम्ब ऑफ अतगा खान बिल्ट इन 1566-67 बाई हिज सन मिर्जा अजीज कोका। मीन्स अतगा खान के मकबरे जिसे उसके पुत्र मिर्जा अजीज कोका ने 1566-67 में बनवाया था से संबद्ध वास्तविक और सुलेखकार के युग्म को चिह्नित कीजिए। तो इसका आंसर है उस्ताद खुदा कुली एंड बाकी मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिप्रेजेंट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजी इन रिस्पेक्ट ऑफ कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग नेशंस इनटू इंडिया ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड। मध्यकालीन भारत में व्यापार के लिए आए यूरोपीय देशों से संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? तो इसका आंसर है पुर्तगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच। मीन्स पुर्तगाली, डच, अंग्रेज एंड देन फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मुगल एम्परर्स क्लेम्ड दैट ही कुड डिस्टिंग्विश विच पेंटर्स हैड ड्रॉन द आउटलाइन एंड हु हैड फिल्ड इन द कलर्स और ड्रॉइन द फेस। मुगल शासकों में से किसने यह दावा किया था कि वह यह अंतर कर सकता है कि किस चित्रकार ने रेखा चित्र बनाया है और किसने उसमें रंग भरा है या उसका चेहरा तैयार किया है? तो इसका आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेंशियली द मुगल इंडिया हैड। मीन्स मुगल कालीन भारत में मुख्य रूप से क्या थी? तो इसका आंसर है टू क्रॉप्स अ ईयर इकोनॉमी। मीन्स एक वर्ष में दो फसलीय अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खिलत कॉन्फर्ड ऑन द नोबल्स बाय द मुगल एम्परर्स वाज अ। खिलत जो कि मुगल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी वह क्या थी? तो इसका आंसर है गारमेंट मीन्स वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरामाउंट इज द पोजिशन ऑफ पैरामाउंट पावर इंजॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन रिलेशन टू द। परमोच्च शक्ति वह स्थिति है जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार परम उच्च शक्ति के रूप में करती थी।
तो इसका आंसर है प्रिंसली स्टेट्स, मीन्स राजा रजवाड़ों के राज्यों के संबंध में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एज ऑफ गर्ल्स मैरिज वाज फिक्स्ड बाय द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 ईस्वी ने लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की? तो इसका आंसर है 10 ईयर्स, 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलर ऑफ इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द जैकोविन क्लब? भारत का कौन सा शासक जैकोविन क्लब का सदस्य बन गया? तो इसका आंसर है टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द ओल्ड गारंटी सिस्टम द ब्रिटिश कंपनीज इन्वेस्टिंग इन रेलवेज वर अश्योर्ड अ गारंटीड डिविडेंड ऑफ। पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को गारंटित लाभांश का आश्वासन कितना परसेंट था? तो इसका आंसर है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज बीन लाइकनेड टू ग्राम्चीज वार ऑफ पोजीशन बाई। ग्राम्सची के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की है? तो इसका आंसर है बिपिन चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इज द नेम ऑफ अ बुक रिटन बाय। द एमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक पुस्तक का नाम है जिसका लेखक कौन है? इसका आंसर है अनिल सील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1922-23 द स्वराजिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस डिड नॉट इंक्लूड। कांग्रेस में 1922-23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल नहीं था? तो इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद। नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। द सिल्क लेटर कॉन्स्पायरेसी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। रेशमी रुमाल षड्यंत्र को संगठित किया गया था, किसने किया था? तो इसका आंसर है उबैदुल्ला सिंधी एंड बरकतुल्ला ने। तो दोस्तों आज की स्मार्ट क्लास में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा।